व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। छोटा लेक्चर रहने वाला है बट बड़ा ही शानदार लेक्चर रहने वाला है। आज है संडे और संडे का फन डे के साथ में हमारा स्टडी डे भी होता है, और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आज होता है साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और शानदार होता है, और आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में लेकर आता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो उसी को अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ी सी मेरी जो वॉइस है आप लोगों को डिफरेंट आएगी आज, क्योंकि मैं आउट ऑफ द टाउन हूं और बाहर आकर ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए आप लोगों को जो आवाज़ है वो माइक वो नहीं है जो प्रॉपर वाला यूज़ करता हूं, थोड़ा दूसरा माइक यूज़ किया जा रहा है यहां पर, तो आवाज़ के साथ में थोड़ा आज एडजस्ट कीजिएगा। कल से आप लोगों को प्रॉपर जिस तरीके से लेक्चर मिलता है जिस वॉइस में, उसी वॉइस में आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा सेशन जो रहने वाला है ये साइंस और टेक का जो स्पेशल सेशन है वो सेशन देखने को मिलेगा, और बाकी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था, मैंने बोला था कि सब दुआएं करना मैरी कॉम जी के लिए, तो शानदार तरीके से छठे नंबर का गोल्ड मेडल हमारी कंट्री की झोली में गिरा। और ये देखिए, इतनी उम्र में भी इतने शानदार तरीके से खेलना, तो ये देखिए बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर आप लोग इनको बोल सकते हैं। 6 के 6 जो गोल्ड मेडल हैं उनका आप लोग नाम याद रखेगा, 2001, 2, 5, 6, 8 और यहां पर ये हो गया क्या 10, और अब आप लोगों के सामने है यहां पर, ठीक है। तो इतने टाइम तक ये आप लोगों को देखने को मिला यहां पर। ये है यहां पर सिल्वर मेडल, इसके बाद में मतलब कहने का मतलब ये 7 बार ये आप लोगों को फाइनल में देखने को मिलेगी, जिनमें से 6 बार गोल्ड जीता गया है और 1 बार सिल्वर जीता गया है। तो टोटल मिलाकर गोल्ड जो है वो यहां से है, ये है 2000 से, ठीक है। तो 2002, 5, 6, 8, 10 और 18 जो अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिला। और अच्छी बात क्या थी यहां पर, अच्छी बात ये थी कि ये चैंपियंस इन इंडिया में ही हो रही थी, तो इसलिए भी आप लोगों के लिए यहां पर इसकी थोड़ी इंपोर्टेंस बढ़ी जानी चाहिए। और जो अभी यहां पर ये चैंपियनशिप देखने को मिली, इसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है अब तक ही काफी ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है। और इसी तरीके से हमारी एक और प्लेयर अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फाइनल में पहुंची है, उनका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, वो कौन सी प्लेयर है। तो जैसा कि देखने को मिला, ये अच्छी अच्छी बात है, अभी इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए। और याद रखिए, क्वेश्चन बन सकते हैं, पुराने भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से कि पास्ट में कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, ये कौन से नंबर का इनका फाइनल था, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। कहां कहां पर हुए ये भी आप लोग देखते हैं वैसे, ये हालांकि ज्यादा आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, फिर भी हल्का सा नजर एक बार डाल लीजिए। जो पहला रहा ये 2001 में, ये आप लोगों को यूएसए में सिल्वर देखने को मिला, फिर तुर्की, रसिया, इंडिया, ये इंडिया में सेकंड है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट देके कि इंडिया में कौन सा मेडल है, तो ये सेकंड मेडल है, फिर इंडिया, ये बारबोसा, और इसके अलावा फिर से इंडिया यहां पर, ठीक है। तो देख सकते हैं 2 मेडल जो जीते गए हैं 2006 और 2018, तो ये दोनों इनके द्वारा जो जीते गए हैं ये इंडिया में ही जीते गए हैं, तो काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में। ये एक आदत आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो भी बच्चे अपने परिवार के साथ में फैमिली के साथ में बैठकर खाना खाते हैं, नॉर्मली उन बच्चों की जो खाने की आदत है वो थोड़ी अच्छी मानी जाती है, यानी कि उनकी जो हेल्दी जो हैबिट है उनकी थोड़ी हेल्दी मानी जाती है, यानी कि हेल्दी खाना खाते हैं वो। नॉर्मली जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में या फिर घर वालों के साथ में बैठकर खाना नहीं खाते हैं, तो बाहर रहेंगे तो क्या खाएंगे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वो खाएंगे, और जो कि हेल्थ के लिए इतना ज्यादा खतरनाक है कि आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते अगर आप उसके बारे में नहीं जानते। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि घर का बना हुआ ही खाना खाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो घर का खाना पसंद ही नहीं होता है, मैंने देखा है कई सारे बच्चे कहते हैं सर बोर हो जाते हैं खाना खाते हुए। बोर देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कभी बोर नहीं होना चाहिए, चेंज कर लीजिए, घर पे ही आप लोग चेंज करा लीजिए, कभी कोई आइटम बनवा लीजिए, कभी कोई, तो घर पर ही आप लोग ये सब चीजें खाया कीजिए। अगर रेयरली आप लोगों को बाहर खाना है तो फल फ्रूट्स कोशिश किया कीजिए, वरना कुछ भी चीजें बाहर की खाने की जरूरत नहीं है आज की डेट में, तो खासकर जिस तरीके की कंडीशन आप लोगों को आसपास में देखने को मिलती है। आइए, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बात की जा रही है मैरिजुआना के बारे में। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा भांग, भांग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नॉर्मली हिंदू, अगर बात करें हिंदू रिलीजन की, तो उसमें इसको शिव से जोड़ा जाता है, शिव भगवान से माना जाता है। कि देखिए, जब भी यहां पर आप लोग देखते हैं कावर वगैरह चलती है, कोई भी बात होती है, तो ये जो भांग होती है ये आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है क्या इसके बारे में, ये हमारी कंट्री की लोकल आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो नहीं कहते हैं कि हमारी कंट्री का ब्रांड है, तो आप लोग इसको अपनी कंट्री का ब्रांड बोल सकते हैं। तो अभी ये आज की डेट में इलीगल है हमारी कंट्री में, खासकर अगर देखा जाए तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अभी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इसको थोड़ा सा लीगलाइज कर दिया जाए, लीगलाइज इसके लिए कि नहीं कि भांग का और प्योर मजा करो, ऐसा नहीं करना है, ये एक मैरिजुआना का पार्ट है, पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, ये जो भांग है इसको ये सोचा जा रहा है आने वाले टाइम में कुछ मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाए, इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी निकल कर आई है, खासकर वो भी हमारी भांग की जो कि लोकल भांग है, ऐसी प्रॉपर्टीज निकल के आई है कि आने वाले टाइम में कई सारी चीजों में इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है।
तो उसी के साथ में अभी यहाँ पर एक केस स्टडी भी दे रखी है। यहाँ पर एक डॉक्टर है, नाम है अनुराग श्रीवास्तव। इन्होंने क्या किया, इनके पास में एक पेशेंट था जिसको कैंसर था, काफी सारी प्रॉब्लम थी उसके साथ में। नॉर्मली आप लोगों को पता होगा जब कैंसर होता है किसी पेशेंट को तो कीमोथेरेपी यूज की जाती है, जिसकी वजह से इंसान जो होता है काफी परेशान रहता है, काफी डिप्रेस रहता है। पर इन्होंने क्या किया, शिवरात्रि का फेस्टिवल था उस टाइम पर इन्होंने सजेस्ट किया ताकि जो बंदा है वो थोड़ा सा ठीक ठाक इंजॉय कर सके, उसको भांग पिलाने के लिए बोला गया। तो जैसे उसने भांग पी तो उस बंदे को क्या देखने को मिला, उसका जो डिप्रेशन लेवल था वो कम हुआ, वो थोड़ा सा जॉयफुल मोड में आया और एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक ट्रीटमेंट उसका आगे बढ़ पाया। कहने का मतलब यह है ये एक तरीके से ओनली एक एक्सपेरिमेंटल बेस था, पर लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने ही काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिला। पर लेकिन यहाँ पर अभी सबसे बड़ी बात एक बात और देखने को मिलेगी, अगर जैसे यहाँ अगर कोई मान लीजिए तबैको वगैरह खाता है, ये अल्कोहल या ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, उनमें आप लोगों को एक अलग तरीके का मतलब बॉडी पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा नेगेटिव। पर लेकिन अगर भांग की ज़्यादा बात करें, कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉडी पर आप लोगों को कोई डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है, अगर इसको देखा जाए मेडिसिनल, अगर इसकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। तो इसलिए बात ये निकल के आ रही है, हमारी कंट्री में जो नार्कोटिक ड्रग एंड द ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है जो हमारी कंट्री का, उसके हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो मेडिसिनल जो क्वालिटी है उसके ऊपर रिसर्च करने की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पर ये अभी इसके अंडर काम कर रहा है, अगर यहाँ पर ये बाहर हटाई जाती है और कल्टीवेशन के लिए जो कैनबीज होती है भांग, ठीक है ना, तो जो इसको यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इसकी जो दवाई बनाने की प्रॉपर्टी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले टाइम में अगर इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी कई सारी कंट्री आप लोग देखते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कुछ स्टेट्स, इसी तरीके से कैनेडा में इसी साल इसको परमिट कर दिया गया है, खासकर खेतों में बोने के लिए भी और इसको यूज करने के लिए एसोसिएशन प्लांट के तौर में, मतलब एक तरीके से मेडिसिनल तौर पर इसको यूज करने की बात की जा रही है। इंडियन डॉक्टर रिसर्चर की माने तो भी इसको एक आशा की किरण की तरीके से देख रहे हैं, यानी कि जो भांग का पौधा है उसको स्टडी की जा रही है ताकि आने वाले टाइम में उससे क्या मेडिसिनल क्वालिटी है उनका पता लगाया जा सके। तो कौन कर रहा है यहाँ पर हमारी कंट्री में, काउंसिल ऑफ साइंस, ये इंस्टीट्यूशन के नाम है, यानी कि जो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये है इंट्रोगेटिव मेडिसिन, एक तो ये मिलकर काम कर रहे हैं और दूसरा टाटा मेमोरियल सेंटर। ये कौन है, ये वही सेंटर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में मेनली कैंसर के साथ में, जो कैंसर के साथ में जो फोकस देकर चलता है, मुंबई में बेस है ये। तो इसी तरीके से आप लोग देखते हैं आने वाले टाइम में अगर हम लोग इसको कर पाते हैं ढंग से तो कई सारी बीमारी जैसे ब्रेस्ट कैंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, महिलाओं में बहुत खतरनाक बीमारी है आज की डेट में, तो उसको टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह है स्कल सेल एनीमिया और भी कई एनीमिया, इसके अलावा और भी कई सारी जो इनके इक्विवेलेंट डिजीज है उनको यहाँ पर हम लोग ठीक कर पाएंगे इसकी हेल्प से, और ऑलरेडी इनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाए तो हमारी कंट्री में हम लोग इसको कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं उसके ऊपर फोकस देने की बात कर रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। सेकंड बात मैंने अभी आप लोगों से ब्रेस्ट कैंसर से की, आप लोगों ने बचपन में सबने ही माँ का दूध पिया होगा, पर लेकिन कई बार आज की डेट देखने को मिलेगा आप लोगों जो ब्रेस्ट होती है उसमें ट्यूमर हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं की आप लोगों को डेथ देखने को मिलेगी, खासकर हमारी कंट्री में, खासकर क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इग्नोर की जाती हैं। आप लोग घर में ही देख सकते हैं हमारी मम्मियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब बच्चों का ध्यान, घर वालों का ध्यान रखने में पूरे दिन बिजी रहती हैं, अपना ध्यान नहीं देती हैं, कई बार तो खाना भूल जाती हैं, और इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि बच्चे खुश रहने चाहिए, घर वाले सारे खुश रहने चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देती हैं, तो ये बहुत ही गलत पोल में एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से सोना या फिर और भी कई सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, और खाना पीना बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं कैसा मेंटल लेवल है डिप्रेशन में, इसके अलावा किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए आप लोगों को इसके बारे में हल्का सा आइडिया पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग घर में भी जैसे रहते हैं तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर घर वाले आपका ध्यान रखते हैं तो आप घर वालों का ध्यान रखो। तो अभी क्या बात निकल के आ रही है यहाँ पर आर्टिकल में देखते हैं, अभी जो बात की जा रही है वो ये है, अपर जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो ब्रेस्ट ट्यूमर है जो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, ये हमारी कंट्री में जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो आप लोगों ने जो भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं चिकन वगैरह उनको पता होगा या फिर आप लोगों ने खाते हुए देखा होगा लोगों को, तो यहाँ पर ये जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर में ये रेड रेड जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं बोन मैरो। तो इसकी बात यहाँ पर की जा रही है, इंसानों की हड्डी में भी होता है ये, तो इससे क्या होता है, इससे बूस्टअप मिलता है जो खासकर ये सेल होती हैं जो कि ब्रेस्ट ट्यूमर को बढ़ाती हैं। तो अगर हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएं किसी तरीके से, तो कहने का मतलब ये एक होप लगाई जा रही है, अगर हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएं तो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट जो कैंसर है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसी सब चीज़ों पर लेकर फोकस दिया जा रहा है, और भी कई सारे यहाँ पर टर्म यूज की जा रही है टेक्निकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी फिलहाल आप लोगों को ये इतने बारे में पता होना चाहिए। एक तो देखिए अगर कोई पेरेंट है जैसे कि उनका एक तो टाइमली चेकअप होता रहना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें जो बढ़ती रहती हैं और पता नहीं चलता है, और जब फाइनल स्टेज पर पहुंच जाती है तब हम लोगों को पता चलता है, और उस टाइम पर ये खतरनाक क्रिएट कर देती हैं कंडीशन जो कि फिर कंट्रोल में नहीं आती हैं।
नेक्स्ट बात की जा रही है चाइना की। चाइना आज के में आप लोगों को पता है हर एक फील्ड में आप लोग आगे नजर आएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी संघाई हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर मेडिसिनल जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं या फिर जो भी पुरानी एंशिएंट यानी कि पुरानी जो दवाइयां होती हैं उनको मार्केट में उतारने की बात की जा रही है। समझ लीजिए ध्यान से बात क्या की जा रही है। जिस तरीके से मान लीजिए कोई पुराने नुस्खे आप लोगों को देखने को मिलेंगे या और भी कई सारी चीजें जो हमारी कंट्री में भी यूज होती है, अगर हम उनको बिल्कुल ऐसे करें जैसे रामदेव ने क्या किया, रामदेव जी ने क्या किया है, उन्होंने बिल्कुल ऐसी पैकेजिंग की है जैसे कि मॉडर्न दवाई होती है, तो उसी तरीके से आज के में जो प्राइवेट कंपनी है और खासकर जो दूसरी कंट्री कंपनी है उनके साथ में कंपीट हम लोग कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा यह है कि इस तरीके से हम लोग उनके ऊपर काम कर पाए हैं। तो इसी तरीके से चाइना क्या चाह रहा है आज के में, एक्सपोर्ट करना चाह रहा है ऐसी जो उनकी एंशिएंट मेडिसिन है, जो उनकी जो पुरानी दवाई है जो हिस्टोरिकली वो यूज करते हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनल यानी कि जो उनकी जो बाबा दादी जो नाना नानी के द्वारा जो पुराने टाइम पे यूज की जाती थी उन मेडिसिनल को वो आज के में जिनको बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, TCM नाम रखा है इन्होंने, तो उस मेडिसिन को यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है और उसको एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। आखिर ऐसा ख्याल इनके मन में क्यों आया कि भैया इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो इनके मन में खुद से नहीं आया, ये काम किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी नया चैप्टर इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, यह है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसके तहत यहां पर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कैसे यूज की जा सकती है अगर कोई बीमारी है उसको ठीक करने में, यानी कि जो पुरानी जो दवाइयां होती थी जो आप लोगों को देखने को मिलती है जैसे आप लोग कहते हैं ना कि खांसी नजला जुकाम हो जाए तो काढ़ा बना के पी लो, तो काइंड ऑफ जो चीजें हैं तो इनको इंक्लूड करने की बात की गई। तो इसीलिए चाइनीज जो है इंडस्ट्री वो सोच रही है कि जो हमारी खुद की जो दवाइयां हैं हम क्यों ना उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं। पर लेकिन कई सारी बातें देखने को मिलती हैं, एक तो यह कि उनका प्रॉपर कोई ऐसा टेस्ट नहीं देखने को मिलता है कि हाँ ये सही इलाज करेगी ही करेगी, और भी कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम यहां पर निकल के आती है, तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बात यह की जा रही है कि प्रॉपर वे में टेस्ट वगैरह करके देखा जाएगा तब आगे बढ़ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम यह है चाइनीज जो मेडिसिन आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर आप लोग एमएनसीज की जो दवाइयां बनाई जाती हैं जो अंग्रेजी दवाइयां जिनको आप लोग बोलते हैं अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो वो दवाइयां जो हैं वो काफी महंगी रहती हैं, और चाइनीज जो ये दवाइयां हैं जो लोकल दवाइयां हैं ये सस्ती रहती हैं, तो उस बात को भी ध्यान में रखकर थोड़ा सा अलग तरीके से इसको देखने की कोशिश की जाती है कि ये जो दवाइयां हैं यहाँ पर, तो जो चैलेंज बोला जा रहा है वो यही बोला जा रहा है कि जो मॉडर्न दवाइयां हैं एक तो उनके मामले में एक तो प्राइस तो कम है, पर लेकिन जो ट्रायल की बात की जा रही है क्लिनिकल ट्रायल नहीं है उनके लिए, यानी कि प्रॉपर स्पेसिफिकेशन क्या है वो चीजें देखने को मिल रही है, पर फिर भी एक WHO के थ्रू अगर इंक्लूजन की बात की जा रही है वो नहीं होता कि एक होप जग जाती है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या निकल कर आ रही है, एक तो ट्रायल की दूसरी प्रॉब्लम ये है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की जा रही है, तो यहां पर अगर मान लीजिए कोई दवाई कई तरीके की चीजों से बनाई जाती है तो आज की डेट में उनको भी यहां पर अलाउ नहीं करने दिया जाता है, जिन मतलब आज की डेट में देखते हैं सबको सेव करने की बात की जा रही है। राइनोज जो होते हैं उनके हॉर्न से बनाई जाती है, इसके अलावा यहां पर यह पेंगोलिन इनको आप लोग देखते हैं, दोनों की बात यह है, राइनोज आप लोगों को देखने को मिलेगा और यह दूसरे वाला, तो इनसे भी दवाइयां बनाई जाती है, पर लेकिन ये क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुके हैं तो इनको सेव भी करना है दवाई भी बनानी है, तो फिर कंडीशन ये निकल के आती है कि काम कैसे करना है, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा WHO गाइडलाइन के बारे में भी याद रखते हैं कि हाँ ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं अनुलोम विलोम अगर आप लोग इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोग एक तरीके से ये देखने को मिलेगा जैसे नॉर्मल इंसान क्या करता है, नॉर्मल इंसान कंसंट्रेशन के लिए कई सारी काम करता है, पर लेकिन अगर आप लोग ये अनुलोम विलोम करने की स्टार्ट कर देंगे वो भी नाक के थ्रू, देखिए नाक के थ्रू सांस लेना और मुंह के थ्रू सांस लेने में डिफरेंस है, नॉर्मली अगर आप लोग नाक के थ्रू सांस लेंगे तो उससे आप लोगों को पता रहेगा आसपास कोई महक है, दुर्गंध है, कोई सुगंध है वो आ रही है, तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और हमारी जो बॉडी है, हमारी जो माइंड की कॉन्सेंट्रेशन है, हमारी बॉडी पे जो उसका इंपैक्ट पड़ता है वो नाक के थ्रू लेने से अलग इंपैक्ट पड़ता है और मुंह के थ्रू लेने से अलग इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें आप लोगों को इंटरकनेक्टेड नजर आएगी। बहुत से तो ऐसे धरती पर आप लोगों को क्रिएचर नजर आएंगे जैसे चींटी आप लोग लीजिए और भी कई सारे जो कि कई सारी जो जिनके सूंघ के तरीके से चलती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे जानवर हैं आज के डेट में भी पृथ्वी पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली अगर आप लोग उनको देखेंगे तो उनका जो काम चलता है वो ओनली जो इसकी जो नाकों के थ्रू जो चीजें सूंघी जाती हैं उसके बेस पर चलता है, तो इसी के ऊपर स्टडी की गई है। हालांकि अब तक प्रॉपर वे में सारी चीजें आप लोग नहीं बोल सकते कि हाँ क्या क्या है, पर हाँ इतनी बात जरूर बोली जा रही है कि अगर प्रॉपर वे में जो सांस की प्रक्रिया है उसको नाकों से लिया जाए और प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन करके आप लोग थोड़ा टाइम उसको दो डीप ब्रेथ लें तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक और टिप है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं हर टाइम आप लोग एक्टिवेट रहें, हर टाइम आप लोग अपना एंजॉय कर पाए टाइम को, तो हर एक घंटे के अंदर आप लोगों को 10 से 12 गहरी गहरी सांस लेनी है, ये काम स्टार्ट कर दीजिए, आधे से ज्यादा आप लोगों की जो थकावट है, जो जबाई आने वाला फंडा है वो आप लोगों का दूर हो जाएगा, तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं जो कि आपके ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाएगा और काम करने की प्रक्रिया आप लोगों की और ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ओके आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसको डिटेल में समझाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से आ सकता है।
और नाम भी यहां पर इंपॉर्टेंट है इसका, बात की जा रही है हेंटा वायरस, ठीक है। तो हेंटा वायरसेस तो क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो चूहों के द्वारा फैलाए जाते हैं। चूहों का जो भी मलमूत्र होता है वो होता है नॉर्मली, अगर वो देखिए कहीं पर, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर कोई गंदगी है तो आप लोगों को एकदम उसकी महक आ जाती है कि यहाँ पर कुछ गंदगी है, उसकी आप लोगों को महक नहीं दुर्गंध बोला जाएगा उसको, एकदम दुर्गंध आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये चूहों के द्वारा फैलाया गया जो बीमारी है ये, इसके बारे में अभी आप लोगों को पिक्चर को भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले यहाँ पर देखिए आप लोग, फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था 1993 में कि हाँ ऐसा नाम का कोई वायरस है। एक फेटल रेस्पिरेटरी, यानी कि अगर आप लोग सूंघेंगे तो उसके थ्रू ही आप लोगों की नाक से थ्रू आप लोगों के लंग तक पहुंचेगी और काफी खतरनाक बीमारी आप लोगों की बॉडी में करेगी। नॉर्मली यहाँ पर जो जो इसको रोडेंट्स भी बोला जाता है, यानी कि मूसक, यानी कि जो चूहा होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो भी इसका यूरिन होता है या फेसिस होता है, यानी कि जो इसका मलमूत्र या सलावा होता है, जो कि नॉर्मली आप लोगों को अगर मान लीजिए घरों में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, जो नॉर्मली इस तरीके से जहां पर बहुत दिनों पहले आप लोगों ने साफ किया है और साफ करेंगे काफी टाइम के बाद में, तो वहां पर इसका मलमूत्र मिलेगा छोटा छोटा इस टाइप का, ठीक है ना। तो वो जो इस तरीके की चीजें होती है अगर वो किसी भी तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट में आती है तो वो काफी खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, यानी कि बीमारी कर देती है, और इसको बोलते हैं यहाँ पर हेंटा वायरस। तो जो ये हेंटा वायरस है अगर यूएसए की स्टडी के हिसाब से माने तो अराउंड 40% देखेंगे इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जान चली जाती है लोगों की। ये यूएसए का जो सेंट्रल फॉर ड्रग्स कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से अगर हम लोग बाने डिजीज कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये काफी खतरनाक बीमारी है जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती है। तो जो भी चूहों का जो मलमूत्र होता है वो अगर कॉन्टैक्ट में आता है, एक तो सामान वो नहीं खाना है, अगर ये कुछ सामान में किसी ने लगा आप लोगों को चूहे ने खा लिया है तो वो सामान आप लोगों को यूज नहीं करना है। और सीधी सीधी बात बोलूं तो अपना सामान घर में ढक के रखिए, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब ये, अगर आप लोग ढक के रखेंगे उसको तो आसानी से इन सब बीमारियों से आप लोग निजात पा सकेंगे। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन सकता है, पूछा जाएगा कि हेंटा वायरस क्या है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है किसकी वजह से फैलता है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो थकावन देखने को मिलेगी, मसल में पेन देखने को मिलेगा, और भी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स है तो वो सामने आएंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई वायरस ने कुछ ऐसा काम किया, कोई अपना कोई मलमूत्र वगैरह छोड़ा, फिर क्या किया, एयरबोन मान लीजिए उससे क्या किया, आसपास में है कहीं पर, तो आप लोगों के कॉन्टैक्ट में आया, कॉन्टैक्ट में आया, सांस के थ्रू आप लोगों की बॉडी में गया, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम देखनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फीवर वगैरह, सर में दर्द, कफ वगैरह, ये सारी चीजें, और फिर आप लोगों को ये जो यहाँ पर इसकी वजह से सांस की बीमारी भी काफी खतरनाक लेवल की हो सकती है। तो इसलिए आप लोग हल्का सा इन सब चीजों से बच कर, इसी बोला जाता है खाना ज्यादा देर तक आप लोगों को खुला नहीं रखना चाहिए, उसको ढककर रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलता हूं, आगे बात की जा रही है यहां पर, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आज की डेट में अगर देखा जाए जो जले हुए इंसान के केसेस हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार तो आप लोगों को बच्चे देखने को मिलेंगे, या तो मान लीजिए दूध गर्म किया जा रहा है, कई बार लापरवाहियों की वजह से देखने को मिलेगा, कई बार आग लग जाती है बहुत सारे इंसान। अभी कैलिफोर्निया में हम लोगों ने देखा था खतरनाक लेवल की आग भी देखने को मिली जंगल में, बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसी को ध्यान में रख के बोला जा रहा है, इंडिया में अगर आप लोग देखेंगे एनुअली यहां पर बोला जा रहा है 7 लाख से 8 लाख जो बन जो केसेस होते हैं वो सामने निकल कर आते हैं, और ये खतरनाक लेवल की हेल्थ की 1000 से आप लोग इसको मान सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आग लग जाती है तो बहुत सारे लोग वहां पर मारे जाते हैं। तो नंबर ऑफ जो बर्निंग केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पर उस तरीके की जो एक प्रॉपर वे का जो हमारी कंट्री में उसको हैंडल करने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर केयर जो होनी चाहिए, जो प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, आप लोगों ने विवाह मूवी देखी होगी शाहिद कपूर वाली, ठीक है, उसमें उसकी बॉडी पूरी कंप्लीट जल जाती है। तो प्रॉपर वे के लिए उसके लिए डॉक्टर अलग होना चाहिए, उसके लिए फैसिलिटीज अलग होनी चाहिए, प्रॉपर वे में उसके लिए पूरा सिस्टम अलग होना चाहिए। तो हमारी कंट्री में जो 12th 5-year plan था, कब से कब तक था, 2012 से 2017 तक, ठीक है, अभी हालांकि इसको कंटिन्यू कर दिया गया है आगे भी। तो उसमें बोला गया था कि अलग अलग लगभग 76 जो हमारी कंट्री में जो कॉलेजेस हैं और 19 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये बोला गया था कि अलग यूनिट आप लोगों को यहाँ पर फेज मैनर में इंप्लीमेंट करना है, ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो एक तरीके यहाँ पर सिस्टम देखने को मिले जहाँ पर इन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जा सके। आगे क्या बात बोली जा रही है, आगे बात बोली जा रही है कि हमारी कंट्री में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड द मैनेजमेंट ऑन बर्न। तो बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में भी एक प्रोग्राम है ये, कि यहाँ पर अगर कोई जला हुआ केस आता है, अगर हमारी कंट्री में कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको कैसे टैकल कर चलना है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, और 3 phase में काम करते हैं। एक तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले अगर हम लोग अपनी बॉडी को ध्यान रख लें तो ज़्यादा बेटर है। अलग आप लोगों को बीमारी देखने को मिलेगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अगर आप लोगों को अभी सर्दी आ रही है अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, खांसी नजला जुकाम ना होने पाए उससे पहले, वरना फिर क्या होगा, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके अलावा अगर बात की जाए कैसे उसको मैनेज करना है, और अगर हो जाता है तो कैसे उसको रिहेबिलेट करना है, यानी कि अगर कोई केस आ रहा है तो कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है, तो इन 3 pattern पर लेकर चलना है। और खासकर अगर बच्चे और महिलाएं की बात करें तो उन पर थोड़ा और ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा प्रोन इस तरीके की डिजीज को माने जाते हैं। घरों में महिलाएं काम करती हुई नजर आएंगी आप लोगों को, खासकर इन सब चीजों के पास में, तो उनको फोकस देकर
लेकर चलना पड़ेगा। तो नीड क्या है, नीड यह है कि हम लोगों को इन सब चीजों पर फोकस देना है। हर कंट्री से अगर कोई यहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उससे कलेक्ट करनी है। यहां पर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बर्न और इंजर्स के साथ में हम लोगों को मिलकर काम करना है। तो जो यहां पर यह है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बर्न्स एंड इंजरीज, इन सबके साथ में मिलकर काम करिए और भी काम यहां पर जहां से भी जो भी करना है पर सीखना है। एक बात देखिए आप लोग, अगर जाएंगे आप लोग हड्डी का डॉक्टर कोई और देखने को मिलेगा, सर दर्द पेट दर्द का कोई और, कान नाक का कोई और, तो इस तरीके से अगर कोई इंसान जलता है तो सारे अंग उसके बर्बाद होते हैं लगभग। तो इस तरीके से हर एक सर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो जो भी यहाँ पर अलग अलग एरिया के जो डॉक्टर हैं वो सारे इकट्ठे एक जगह एक डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे। अगर इस तरीके का कोई इंसान जला हुआ आता है उसको टैकल करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कोई पर्टिकुलर एक डायमेंशनल डिजीज नहीं है, ये मल्टी फेस है इस डिजीज के और इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट बॉडी पर डालती है। तो आप लोगों का सीधा सीधा ये है कि एक जगह आप लोगों को सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, हल्का सा आगे बढ़ता हूं। आगे ये देखने को मिलेगा अगर आप लोग रोड पर जाते हैं तो रोड ट्रैफिक आप लोगों को खतरनाक लेवल का देखने को मिलता है। तो जो खतरनाक लेवल का ट्रैफिक मिलता है उसी के बारे में सोचा जा रहा है। यहां पर अभी IIT मद्रास के द्वारा ये बात बोली जा रही है कि अगर आप लोग स्मूथर यानी कि अच्छा चलने वाला ट्रैफिक चाहते हैं तो आप लोगों को सेपरेट यहां पर लाइन बनानी चाहिए, किसके लिए, टू व्हीलर्स के लिए। और इससे फायदा क्या देखने को मिलेगा, जो नॉर्मली फोर व्हीलर यूज कर रहे हैं, एक आदमी एक गाड़ी में बैठ के जाता है, टू व्हीलर यूज करना स्टार्ट करेगा, एनवायरमेंट को फायदा देखने को मिलेगा। और गाड़ी में और जो बाइक में आप लोगों को पेट्रोल का डिफरेंस नजर आता है वो भी वहां पर जो डीजल या पेट्रोल आप लोग गाड़ी में यूज करते हैं उसमें भी डिफरेंस नजर आएगा। तो कई सारी चीजों पर फोकस देने की बात की जा रही है IIT मद्रास के द्वारा। तो इस तरीके से हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है जो प्रीमेच्योर डेथ होती है, यानी कि जो प्रीमेच्योर डेथ नहीं सॉरी प्रीमेच्योर बर्थ, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो बर्थ होता है वो अगर मान लीजिए एज से पहले हो जाता है जितना उसका होना चाहिए, यानी कि नॉर्मली जो देखा जाता है वो 9 से 10 महीने के बीच में बच्चा पैदा होना चाहिए, पर लेकिन अगर इससे पहले हो जाता है तो प्रीमेच्योर बर्थ बोलते हैं उसको। कई सारी प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से देखने को मिलता है। लगभग यहां पर जो रिसर्च किया गया है ये 8000 वुमेन के ऊपर रिसर्च की गई है। तो एक्चुअली थोड़ा सा यार फास्ट चल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे अभी लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना भी था, एक दोस्त की शादी है तो वहाँ पर जाना था मुझे, तो उसके लिए लेट भी हो रहा हूँ हल्का सा। चलिए कोई नहीं, मैंने सोचा पर लेक्चर पहले बनाना है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर नहीं आप लोगों का मतलब रुकना चाहिए। तो एक तो मन था कि रात शाम को बना दूँ आके, पर लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर थोड़ा जल्दी हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, तो एडजस्ट कर लीजिए। मंडे से आप लोगों को जो लेक्चर हैं वो आप लोगों को टाइम पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। आज सैनिटेशन की बात की जा रही है, इम्पैक्ट डालती है ओपन डेफिकेशन, या फिर अगर बात करें यहाँ पर जो जेंडर बायस हरासमेंट होता है सोसाइटी में उसकी वजह से भी आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और फिजिकल जो लेबर है उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर जो बर्थ है वो देखने को मिलता है और कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर रोका जाए तो प्रीमेच्योर बर्थ को रोका जा सकता है। और इसके अलावा कहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, जो लो इनकम कंट्रीज हैं खासकर वहां पर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, यानी कि जो गरीब कंट्री हैं या फिर जो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर ये प्रॉब्लम निकलकर सामने ज्यादा आती है। तो ये था साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, अब नजर डालते हैं थोड़ा सा अपना जो वैसा पोर्शन है थोड़ा सा न्यूज वाला पोर्शन। अभी म्यांमार के साथ हुए, अब म्यांमार के और इंडिया के जो बॉर्डर की अगर बात की जाए थोड़ा यहां पर आप लोग नजर डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया म्यांमार, ठीक है, और म्यांमार के साथ में कौन से एरिया की बात की जा रही है, हमारी कंट्री का जो मणिपुर है, मणिपुर भी आप लोग देखिए एक बार कहां पर पड़ रहा है, मणिपुर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये बॉर्डर मणिपुर वाला हो गया। तो यहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जा रहा था कुछ गांव में वहां पर मणिपुर वाले एरिया में, तो जो यहां पर म्यांमार की जो आर्मी है वो आई, उन्होंने उनको रोका यहां पर। तो हमारी कंट्री के जो यहां पर आसाम राइफल के जो पर्सनल हैं उन्होंने उनको बोला कि आप लोग वापसी जाइए, ये हमारा एरिया है, हम लोग खुद देख लेंगे हम लोगों को क्या करना है। तो कहने का मतलब यह, बॉर्डर पर थोड़ी सी टेंशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, ओके। बाकी यहां पर बात की जा रही है, ये नाम है यहां पर कंबाला, ये आप लोगों को बफेलो रेस देखने को मिलेगी। तो कई बार आप लोगों को ये पूछा जाता है कंबाला क्या है, तो ये बफेलो रेस है, दूसरा किस एरिया में होती है, तो ये मैंगलुरु आप लोग देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कई बार इस तरीके की चीजें आ जाती है, मैंगलुरु कहां पर है, कर्नाटका में है। तो ये हालांकि जो अगर बात करें आप लोग प्रिवेंट ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, मतलब अगर बात करें तो यहाँ पर जो एनिमल के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए उसके एक्ट के हिसाब से माने, तो ये सारी चीज़ें देखिए सही नहीं है, ठीक है, पर फिर भी हमारी कंट्री में कल्चर्स के साथ में कनेक्ट हो जाती हैं तो इसलिए इनको अलाउ कर दिया जाता है और ये चीज़ें चलती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। अगर बात करें साउथ इंडिया में तमिलनाडु वाले एरिया में काफ़ी लंबे समय से काफ़ी एक इसी तरीके की जो रेस है वो न्यूज़ में रहती है, वो बैल के लिए है, आप लोगों को उसका नाम बताना है, बहुत सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की, हमारी कंट्री है कर्नाटका में, कर्नाटका में यहाँ पर यह है बेगूर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो कहाँ पर है बेगूर फोर्ट, कर्नाटका में है, तो स्टेट की जो कैपिटल है यहाँ पर, तो उसमें देखने को मिलेगा बेंगलुरु में, ये काफ़ी खतरनाक लेवल पर खत्म ही हो चुका है लगभग, तो कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में बात करें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके। आगे बढ़ता हूँ,
नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर रही है गंगा के फ्लो के बारे में निकल कर आ रही है, गंगा का फ्लो जो है आज की डेट में वो इनएडुकेट होता जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है काफी, अगर आप लोग पहले के फ्लो की यहां पर बात करेंगे, यानी कि एनएफ नहीं है। ये जो रिसर्च की गई यहां पर देखा गया, यूनियन जो वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी है उनके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई कि देखिए जो फ्लो है उसमें यहां पर प्रॉब्लम आज की डेट में आती नजर आ रही है। देख सकते हैं आप लोग अगर गंगा को देखेंगे इस तरीके से, यहां पर आप लोग इसको देखते हैं, ड्राई सीजन में भी काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और गंगा की अगर बात करें, जिस एरिया में गंगा बहती है वो हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया आप लोगों को नजर आएगा। सीजन मानसून में देखें तो वो भी आप लोग अगर देखेंगे, मानसून का जो सीजन है उसमें भी मंथली जो एवरेज है वो भी कमी देखने को मिलता है, तो कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है वो भी यहां पर सोचने वाली ये बात है। तो जो डेटा तैयार किया गया ये IIT कानपुर के द्वारा तैयार किया गया है। किताब का नाम याद रखेगा लास्ट गर्ल, किसके द्वारा, नोबेल प्राइज विनर 2018 की, नाम क्या है यहां पर, नोबेल पीस प्राइज विनर नादिया मुराद। तो पूरी आप बीती यहां पर इनके द्वारा लिखी गई है, किस तरीके से यहां पर जो गलत हरकतें की जाती हैं वो यहां पर ISIS के द्वारा वो सारी बातें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बातें हैं, ओके। तो ये था आज का हमारा छोटा सा डिस्कशन, प्यारा सा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।